हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलजी के एसीज के बारे में। आप सब जानते हो एलजी ने 2023 में अपने एयर कंडीशनर्स के नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। एलजी ने बहुत सारे मॉडल लॉन्च किए हैं और एलजी के जितने भी एसी आते हैं वो सभी के सभी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एलजी ने बहुत साल पहले ही नॉन इन्वर्टर एसीज बनाना बंद कर दिया था। तो अगर आप कोई एलजी का एसी ढूंढ रहे हैं तो आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना होगा एलजी के केस में। और एलजी ने 2023 के जो मॉडल्स लॉन्च किए हैं उनमें पहले के मुकाबले क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उनमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो चेंजेस किए गए हैं 2023 के मॉडल्स में, क्या वो यूज़र के लिए या फिर आपके लिए बेनिफिशियल हैं या फिर उनके कोई नुकसान हो सकते हैं, हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए अगर आप एलजी एसीज के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, किसी भी ब्रांड के कोई भी एसी की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले उसके कंप्रेसर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्रेसर अच्छा लगा हुआ है किसी एयर कंडीशनर में तो उसकी कूलिंग भी अच्छी होगी और पावर कंजम्पशन भी वो कम करेगा। और ऐसे ही एसी हमें चाहिए होते हैं जो कूलिंग अच्छी करें और बिजली कम खाएं। एलजी के केस में एलजी अपने एसीज में यूज करता है ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर का। एलजी के प्लेटफॉर्म पे आपको विंडो एसी भी मिलेंगे, स्प्लिट एसी भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि एलजी वालों ने फिक्स स्पीड कंप्रेसर का यूज करना बंद कर दिया है अपने एयर कंडीशनर्स में, तो आपको विंडो में भी और स्प्लिट में भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ही कंप्रेसर लगा हुआ मिलेगा जो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर काम करता है। और इसका एम्बिएंट वर्किंग टेम्परेचर है 52 डिग्री, तो यानी कि हाई एम्बिएंट पर भी इनकी मशीन अच्छे से काम करती रहती है। अब वेरिएबल स्पीड्स की अगर बात हो रही है तो यहां पर मैं बता दूं आपको, वेरिएबल स्पीड्स का मतलब होता है कि एसी अपनी टनेज को कम या ज्यादा कर सकता है। अब अलग अलग एसी कंपनीज, ये मोड जो होते हैं कन्वर्टेबल, ये कुछ कंपनीज ऑटो कन्वर्टेबल एसी बनाती हैं और कुछ मैनुअल कन्वर्टेबल। एलजी के केस में आपको मिलता है मैनुअल कन्वर्टेबल फीचर, यानी कि आप एसी की टनेज को 5 अलग अलग टनेज पे सेट कर सकते हो। इनमें जो एसी आते हैं वो 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आते हैं, यानी कि 6 अलग अलग मोड आपको दिए जाते हैं, आप किसी भी मोड के ऊपर एसी को चला सकते हो। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि 5 मोड हैं जिसमें आप उनकी टनेज सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 6 में से 5 मोड ऐसे हैं जिस पर आप टनेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन 6ठा मोड ऐसा है जिस पे एसी ऑटोमेटिकली अपनी टनेज को सेट करता है, एंड दैट इज एआई मोड, जो कि रिसेंटली इन्होंने अपने एसीज में दिया है। और एआई मोड पे जब आप एसी को चलाते हो तो एसी ऑटोमेटिकली अपनी टनेज को कम या ज्यादा करता रहता है आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए। सेंसर्स जो एसी में लगे हुए हैं वो रूम के टेम्परेचर को और कंडीशंस को सेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब एसी को लगता है कि ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाया जाता है। और जब ऐसा लगने लगता है, सेंसर सेंस करते हैं बेसिकली कि ओवर कूल हो रहा है रूम, तो स्पीड को कम कर लिया जाता है। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली होता है ये सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके रूम में कूलिंग मेंटेन रहती है एआई मोड पे अगर आप एसी चलाते हो। अब ये तो हुई बात कन्वर्टेबल फीचर की, लेकिन 2023 की सीरीज में इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया है, एंड दैट इज विराट मोड। जी हाँ, जब आप एसी को विराट मोड के ऊपर चलाते हो तो आपका एसी 110% के हिसाब से कूलिंग करने लगता है, क्योंकि एलजी के जितने भी 6-in-1 कन्वर्टेबल एसीज हैं वो सभी के सभी एक्सपेंडेबल कूलिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और जब आप एक्सपेंडेबल कूलिंग वाला फीचर ऑन करते हो तो वो एक तरह से विराट मोड, इन्होंने अब उसका नाम दे दिया है, पहले उसको हाइपर कूलिंग कहा करते थे ये, लेकिन अब उसमें विराट मोड ऐड कर दिया है। और विराट मोड ऐड करने से चेंज ये हुआ है कि पहले जो एलजी के एसी थे उनमें हाइपर कूलिंग जब आप
यूज करते थे तो वो एक टाइम लिमिट होता था उस प्रोग्राम का, 60 मिनट या 90 मिनट कुछ ऐसे होता था। तो उतने टाइम के बाद वो जो एक्सपेंडेबल कूलिंग वाला फीचर है वो बंद हो जाता था अपने आप, फिर दोबारा से आपको बटन प्रेस करना पड़ता था। लेकिन अब 2023 के जो एसी हैं उनमें इन्होंने विराट मोड दे दिया है, और जब आप विराट मोड ऑन करते हो तो आप इनकी हाइपर कूलिंग या एक्सपेंडेबल कूलिंग को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब ये फीचर कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसके नुकसान ही होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप किसी एसी की लगातार एक्सपेंडेबल कूलिंग यूज कर रहे हो तो फिर पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा करेगा आपका एसी। तो ऐसे में पावर कंजम्पशन के मामले में ये जो फीचर दिया है इन्होंने, ये मतलब एक तरह से नुकसानदेह है लोगों के लिए, पॉकेट पे भारी पड़ेगा। बट हाँ, कूलिंग के नजरिए से अब आप कंटिन्यू अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्स्ट्रा कूलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। कंप्रेसर के बाद सेकंड मेन कंपोनेंट होता है किसी भी एसी का कॉइल्स। एक होती है एवेपोरेटर कॉइल जो कि इंडोर में लगी होती है, और एक होती है कंडेंसर कॉइल जो कि आउटडोर में लगी होती है। एलजी वाले काफी सालों से कॉपर कॉइल्स वाले ही एसी बना रहे हैं, और 2023 में भी 100% कॉपर का यूज किया जा रहा है कॉइल्स को बनाने में। यानी कि जो पाइप हैं जिनमें गैस फ्लो होती है वो कॉपर के मिलने वाले हैं आपको, और उन कॉइल्स के ऊपर और फिन्स के ऊपर भी ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन भी देता है एलजी। अब ये ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन जो देता है एलजी, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि ये नाम बड़े बड़े जरूर होते हैं लेकिन सिर्फ एक पेंट की लेयर होती है। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें एक सज्जन बता रहे थे कि हमने एलजी का एसी लिया और एक दो महीनों में ही किसी वजह से उसकी ये ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन उतरने लगी है। तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर वो लेयर उतर भी रही है तो आप बाजार से ब्लैक पेंट खरीद के अपने आप खुद से भी कर सकते हो, स्प्रे वाला ले सकते हो। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि कोई भी प्रोटेक्शन किसी भी कंपनी ने उस पर की हुई है, जैसे कि ब्लू शील्ड हो गई या एंटी कोरोसिव कोटिंग हो गई या एलजी वालों की ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन हो गई, इस तरह से काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस आपको अलग अलग ब्रांड्स में मिलती हैं कॉइल्स के ऊपर। ये जितनी भी प्रोटेक्शंस या फिर ये जितनी भी कोटिंग्स कॉइल्स के ऊपर की जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉइल्स को लंबे समय तक एंटी कोरोसिव बनाए रखने के लिए की जाती हैं, ना कि गैस लीकेज से बचाने के लिए। अगर आपके एरिया में गैस लीकेज का प्रॉब्लम है तो वो उतनी ही फ्रिक्वेंसी से होगा कोटिंग वाले एसी में भी और नॉन कोटिंग वाले एसी में भी। बस फर्क इतना पड़ेगा कि कोटिंग होने से कॉपर के जो पाइप्स हैं उनके ऊपर कोरोजन थोड़ा देरी से आएगा। बाकी फीचर्स की बात करूं तो एलजी के एसीज में सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम आपको ऑलरेडी मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी आपको मिलेगा, अगर आपके एसी में गैस कम हो रही है, कहीं से लीकेज हो रहा है तो उसका एरर कोड आपको मिल जाएगा। देन स्टेबलाइजर फ्री प्रोटेक्शंस आपको यहां पर मिल जाती हैं, आप अपने एसी को बिना स्टेबलाइजर के भी चला सकते हो, ऐसा एलजी वाले कहते हैं। अगर आपके एरिया में वोल्टेज की जो अप एंड डाउन है या फ्लक्चुएशन है 120 वोल्ट से 290 वोल्ट के बीच में रहती है तो आप एसी को बिना स्टेबलाइजर के भी चला सकते हो, एसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको कई बार बताता आया हूं, बोलता आया हूं कि आपके एसी में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हैं या नहीं है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए अपने एसी के साथ, और उसका कारण यह है कि माना कि आपके यहां पर 150 वोल्ट से सप्लाई आ रही है, आपका एसी खराब नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपका जो एसी है अगर आप उसको कंटिन्यू लो वोल्टेज देते रहेंगे तो वो आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाएगा, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब उसको प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं मिल रही तो वो अपना 100% आपको नहीं दे पाएगा। और अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर उसके साथ लगाया है तो वो वोल्टेज कम होने पर भी उसको उतनी वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा जितनी उसको चाहिए, यानी कि 220 से 230 के बीच में। और जब किसी भी एसी को 220 या 30 के बीच में वोल्टेज मिलती है तो वो अच्छे से काम करता है, कूलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। तो इस चीज को आप समझिए और लालच मत कीजिए। 2000-5000 का स्टेबलाइजर आता है, जब आप 40-50 हजार का एसी ले सकते हो तो साथ में उसको भी ले सकते हो, वो आपके ही कूलिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। तो ऐसे में एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर जरूर यूज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं बढ़िया स्टेबलाइजर्स के, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। और एलजी के जितने भी नए एसी लॉन्च हुए हैं उन सभी के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी डिटेल्स हैं
और उनको भी सुनिए, उसके बाद जाके डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इन सभी फीचर्स के साथ आपको LG के नए मॉडल्स में 4-way कूलिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। 4-way कूलिंग होने से आपका रूम जल्दी से ठंडा हो जाता है और डिजायर टेम्परेचर पर पहुंचने में 4-way कूलिंग मदद करती है। उसके बाद बात करते हैं गैस की। तो आप सब जानते हैं LG के AC में R32 गैस आती है और अब 2023 में भी इन्होंने सेम रेफ्रिजरेंट को यूज किया है। R32 के साथ ही इनके AC आगे भी आपको मिलेंगे। देन एयर फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो एयर फिल्ट्रेशन पर काम किया गया है। कोविड के बाद से सभी ब्रांड्स एयर फिल्ट्रेशन पर काम कर रहे हैं, तो LG ने अब अपने सभी ACs में आपको HD फिल्टर देना शुरू कर दिया है, जो कि एंटीवायरस एंड एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है। यानी कि आपके रूम की एयर में कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसको फिल्टर कर लिया जाएगा, आपको क्लीन एयर मिलेगी LG ACs के साथ। उसके बाद बात करें कुछ स्मार्ट चीजों की, तो LG के ACs में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। सभी मॉडल्स में नहीं मिलती है, बट इनके कुछ मॉडल्स हैं जो वाईफाई इनेबल्ड आते हैं, तो उनमें आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप अपने AC को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। इनका एक ऐप आता है ThinkU के नाम से, उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और अपने AC को ऑपरेट कर सकते हैं आप उस ऐप के थ्रू। और एक फीचर जो 2023 में इन्होंने डाला है और वो ये है कि आप ThinkU ऐप के ऊपर LG के AC की पावर कंजम्पशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, वो AC कितनी बिजली खा रहा है, ये सब चीजें आपको ऐप के ऊपर दिखाई जाती हैं। ये बिल्कुल नया फीचर ऐड किया है कंपनी ने। उसके बाद ऑटो क्लीन का एक फीचर हाईलाइट कर रही है कंपनी, यानी कि जो इंडोर है उसमें एक ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी डाली गई है। ये डाइकिन की तरह ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, ये बस सिर्फ इतना सा है कि जब आप AC को रिमोट से बंद कर देंगे तो उसका ब्लोअर कुछ मिनट्स के लिए चलता ही रहेगा। उससे क्या होगा कि कॉइल जो गीली होती है वो सूख जाएगी, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। सर्विस आपको करवानी ही पड़ेगी जैसे आप करवाते आए हो। उसके बाद एक नया फीचर और डाल दिया है, दैट इज म्यूट मोड। म्यूट मोड एक 3 सेकंड का प्रोग्राम है, जब आप AC को इनिशियली ऑन करते हो तब आप म्यूट का बटन प्रेस अगर कर देते हो तो जो स्टार्टिंग में कुछ नॉइस आती है, AC स्टार्ट होता है तो वो नॉइस आपको नहीं आएगी। तो ये 2-3 फीचर नए डाले हैं कंपनी ने। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छे फीचर हैं जिनको हाईलाइट कर रही है कंपनी, बट फीचर दे रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे ये आपको सोचना है। अब बात करते हैं LG ACs की पावर एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों पावर एफिशिएंसी के मामले में LG के जो AC हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बिजली कम खाते हैं। इनके जितने भी यूज़र्स हैं, मैंने काफ़ी यूज़र से बात करी है जो LG के AC यूज़ करते हैं, तो मुझे हमेशा रिप्लाई पॉजिटिव मिला है कि अच्छी कूलिंग करते हैं और बिजली का बिल भी ठीक ठाक आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं इनकी आयशर वैल्यू की। तो यहाँ पर दोस्तों 2022 तक सिर्फ इनके पास एक मॉडल था जो कि 5.2 आयशर पर था, 1.5 टन का। उसके अलावा कोई मॉडल ऐसा नहीं था जिसकी आयशर वैल्यू 5 से ऊपर की हो। तो यानी कि वो सारे मॉडल जुलाई 2022 के बाद से 4-स्टार रेटिंग में काउंट होने लगे थे, क्योंकि BEE ने स्टैंडर्ड अपग्रेड कर दिए थे स्टार रेटिंग के। लेकिन अब 2023 में इन्होंने अपने जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं उनकी आयशर वैल्यू को इंक्रीज किया है और अब जो नया मॉडल है इनका 5-स्टार रेटिंग का 1.5 टन, उसकी आयशर वैल्यू 5.2 क्लेम करते हैं ये। तो ऐसे में आयशर वैल्यू को इंक्रीज किया गया है जिससे पावर एफिशिएंसी बढ़ी है AC की। नो डाउट पावर कंजम्पशन कम करेंगे AC पहले के मुकाबले, लेकिन कूलिंग एफिशिएंसी की भी बात करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आयशर वैल्यू को तो इंक्रीज किया है LG ने, लेकिन कुछ मॉडल्स में आयशर वैल्यू इंक्रीज करके इन्होंने कूलिंग कैपेसिटी को कम कर लिया है। और सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो कूलिंग देने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर अब कम बिजली खाएगा, कम बिजली खाएगा तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो एनर्जी एफिशिएंट तो है इनके AC, लेकिन उनकी कूलिंग कैपेसिटी कम है। 2022 तक जो इनके मॉडल आ रहे थे 5-स्टार रेटिंग के, उनकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट हुआ करती थी, 1.5 टन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब 2023 में जो इन्होंने 5-स्टार रेटिंग के 1.5 टन मॉडल लॉन्च किए हैं, उनकी कूलिंग कैपेसिटी घटाकर 4600 वाट कर दिया, यानी कि 400 वाट की कमी आई है कूलिंग कैपेसिटी में। तो यहां पर अब आप खुद से समझिए कि कूलिंग कैपेसिटी कम है, आयशर वैल्यू ज्यादा है, कूलिंग कम होगी,
पावर ज्यादा बचेगी, तो आपको अब देखना है कि आपको किस चीज के ऊपर जाना है, क्योंकि इनका एक 4-स्टार रेटिंग का भी मॉडल आता है, उसकी आइशर वैल्यू थोड़ी सी कम है लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट है। इस चीज के ऊपर डिटेल में कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो बेसिकली आपको एसी लेते हुए ये ध्यान में रखना है कि आपको पावर एफिशिएंसी अच्छी चाहिए या कूलिंग अच्छी चाहिए। जब आप इनमें से चुनाव कर लेंगे तो आप एक अच्छा एसी ले लेंगे एलजी का। तो सभी एसीज के लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं, उनके प्राइस आप चेक कीजिए और आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप 2022 का कोई मॉडल ले लें तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि 2022 के मॉडल में आइशर वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी कम आपको मिल जाए लेकिन कूलिंग कैपेसिटी पूरी मिलेगी और बाकी के भी जितने मैंने फीचर बताए हैं वो भी सारे सेम रहेंगे। सिर्फ 3-4 फीचर हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, दैट इज विराट मोड और ये ऑटो क्लीन वाला, म्यूट मोड हो गया और पावर मॉनिटरिंग वगैरह हो गई। ये सब अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 22 का मॉडल भी ले लीजिए, वो आपको 4-5 हज़ार सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट मॉडल ही लेना है तब आप नई स्टार रेटिंग वाला ही मॉडल लीजिए और कूलिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आप 4-स्टार ले लीजिए, नहीं तो फिर 5-स्टार ही ले लीजिए। अगर आपका कमरा बहुत बड़ा नहीं है तो 5-स्टार एसी भी उसमें अच्छे से काम करेगा। बाकी बात करूं इनके प्रोडक्ट की, तो एलजी के जो एसी हैं उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कूलिंग अच्छी करते हैं, नॉइस लेवल इनके काफ़ी कम होते हैं और पावर भी ये कम कंज्यूम करते हैं। और इनके सर्विस की अगर बात करूं तो आफ्टर सेल सर्विस इनकी काफ़ी प्रॉम्प्ट है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में सर्विस अच्छी ना हो लेकिन ज़्यादातर एरियाज में इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी प्रॉम्प्ट है। और दोस्तों वारंटी की अगर बात करें तो वारंटी पहले की तरह सेम है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है आपको, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है आउटडोर की पीसीबी के ऊपर और 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है इनके ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर। और अगर विद इन 10 ईयर्स आपका कंप्रेसर किसी वजह से खराब होता है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा और गैस चार्जिंग के चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, वो उसमें इंक्लूडेड है, तो लिखा होता है प्लस गैस चार्जिंग। तो वो गैस चार्जिंग कंप्रेसर जब रिप्लेस होगा उसके साथ है, उसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल तक गैस चार्जिंग भी उसमें आ गई वारंटी में। तो ये भी एक कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को हो जाता है, तो मैंने क्लियर किया है कि कंप्रेसर अगर रिप्लेस होता है तब जो गैस चार्ज होगी वो उसमें इंक्लूडेड है। LG के ACs पर ये डिटेल्ड वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई LG का अच्छा AC खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।